हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 to 1 to साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज। तो लेके आ गए हैं कुछ नई चीज़ आज। तो नई चीज़ क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समझ लीजिए आपका बस 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर खत्म होने वाला। मतलब इसमें जितने भी खास चीज़ें, जितने खास फॉर्मूले हैं, मैं सब डिस्कस करने जा रहा हूँ फटाफट। ठीक, इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो फॉर्मूले क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक समझ लीजिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपका ये स्टैंडर्ड, जो इसको लिखा जाता है, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका है, वो एकदम रट के रखेंगे आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, जिसमें हमें ए और बी और सी, इन तीनों से खास मतलब है। इनके साइन सहित ये जो दिख रहे हैं आपको निकाल लेना है, ठीक है? उसके बाद इसका यूज़ करना है। हमेशा इसकी पावर 2 होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्वाड्रेटिक जो होती है अपनी, वो क्या होती है, केवल 2 पावर को सपोर्ट करती है। तो पावर 2 होनी चाहिए किसी वेरिएबल पे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो बच्चे हमारे 9 से 10 में गए हैं, उनको अगर जावा बहुत अच्छे से सीखनी है, कंप्यूटर बहुत अच्छे से जानना है, तो ये रहा आपके लिए एस बोर्ड ICSE कंप्यूटर बाय प्रतीक शर्मा सर, जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं। आप फटाक से इसको ज्वाइन कर लीजिए, 1490 रुपीज़ इसका चार्ज है। बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करें और मस्त आगे बढ़ें, ठीक है? तो ये रहा पहला फॉर्मूला, जो कि है सीधे धराचार फॉर्मूला, बिल्कुल अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है? तो इसको देख लें, समझ लें क्या है, कि इसको याद करना है आपको कैसे। जैसे अपने पास ही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो जो इक्वेशन थी यहाँ स्टैंडर्ड वाली, उसमें हम आ गए हैं। यहाँ से ए बी सी तीनों निकाल लें अगर, ए बी सी, तो इनका इस्तेमाल करके इसके सोल्यूशन के जो रूट निकाले जाते हैं, रूट्स, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ही फेमस है ये, सीधे धराचार फॉर्मूला भी कहा जाता है इसको, ठीक है? तो इसमें आप सीधे ये वैल्यू उठा करके पुट करेंगे, और आपको यहाँ पे दो साइन दिख रहे होंगे, एक प्लस एक माइनस। तो एक बार आप प्लस इस्तेमाल करोगे तो आपको अल्फ़ा मिलेगा, यानी पहला रूट मिलेगा। एक बार दूसरी बार फॉर्मूले माइनस इस्तेमाल करना, जहाँ आपको बीटा मिलेगा, तो आपको दोनों रूट्स मालूम हो जाएंगे, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला इसको रट लीजिए, कैसे याद करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ही है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है? सेकंड है उसी का छोटा भाई बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जो यहाँ ब्रेकेट के अंदर, यानी रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी हुई है, ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम डेल से शो करते हैं, डी से भी शो करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये क्या होता है कि आपको रूट्स के बारे में बताता है। जैसे दो रूट्स निकल के आएंगे आपके, सपोज आपके दो रूट्स निकल के आए, 2 और 3, ये दो रूट्स हैं, एक आया अल्फ़ा एक आया बीटा। तो ये दोनों रूट कैसे दिख रहे हैं, दोनों रूट डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, यानी डिफरेंट हैं, और दूसरी बात ये है कि दोनों रूट पॉजिटिव हैं, रियल दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये बात पता करने के लिए कि रूट्स 3 तरीके से होते हैं, ठीक है, रियल होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं, इक्वल रूट भी हो सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट हो सकते हैं। उस केस में आपका डी क्या आता है, 0 आता है। मतलब बेसिकली 3 कंडीशन बनेगी, मतलब आप इसको सॉल्व कर रहे हो किसी पे लगा के। जैसे हम थोड़ा सा ले लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो हमें ए मिल गया 1, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है। बी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, माइनस 5, साइन सही लेना, ठीक है, साइन के साथ, विद साइन। सी की वैल्यू हमें मिल गई 6, ठीक है, सी की वैल्यू मिल गई 6। अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल यहाँ करें अगर हम, तो डेल देखो क्या निकल के आ रहा है। यहाँ से रखेंगे तो डेल अपना आ जाएगा बी स्क्वायर, बी अपना है माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 हो गया। ए की वैल्यू अपनी कितनी हो गई, 1, और सी आ रही है 6। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 25 पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होके, माइनस 24 हो जाएगा। मीन्स यहाँ सॉल्व करके हम देख रहे हैं 1 आ रहा है। तो 1 को हम कंपेयर करते हैं, मतलब जो वैल्यू डेल है, डेल को आपको कंपेयर करना है 0 से। मीन्स अगर आपके डेल की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही, मीन्स पॉजिटिव आ रही है, उस केस में आप कहोगे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। अगर डेल की वैल्यू कम आ रही है तो कहोगे रियल नहीं है, नॉट रियल रूट, ठीक। और अगर 0 के इक्वल ही आ जाए, मीन्स डेल सॉल्व किया और 0 आ गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है इक्वल रूट के बारे में, मीन्स उस इक्वेशन के दोनों रूट सेम हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से हम फीचर ऑफ द रूट पता करते हैं, बेसिक सा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई और बेसिक सा इसमें ये था। अगला हमारे प्रतीक सर की तरफ से ICSE कंप्यूटर, जो हमारे बच्चे हैं 12th क्लास में गए हैं, डिस्काउंट बिल्कुल हल्का सा प्राइस है, बिल्कुल लग जाइए, मस्त तरीके से आप कंप्यूटर सीखिए प्रतीक सर के साथ, ठीक है। तो ये था, इसमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर दो ही फॉर्मूले थे अपने, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है और सीधा फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चंस करिए और फिर ये रेडी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।